बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इम्प्रूव लिविंग एंड लर्निंग। लिविंग एंड लर्निंग के इस प्रोग्राम में आपका खुश आमदीद। आपके सामने ये इस वक्त मौजूद है फोल्ड फ्याट ग्रेटर, यानी ऐसा ग्रेटर जो फोल्ड हो जाता है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये आप देख लें, ये बॉक्स की तरह से बना हुआ है। ये स्पेस सेविंग आइडिया की स्पेस सेविंग तौर पर ऐसे बनाया कि ये फोल्ड होकर ज़रा जगह सेव कर ले। वो जो बड़े बड़े घरों वाले और चकोर से या रेक्टेंगल या स्क्वायर टाइप के ग्रेटर्स हैं, उनके लिए एक रिप्लेसमेंट के तौर पे इन्होंने निकाला। अब ये क्या क्या फीचर्स हैं, ये किस तरह से, ये मैं आपको दिखाती हूँ। इसके बैक पे भी देख लें, ये एक स्लाइसर बना है कोर्स साइजेस के कटिंग के लिए। ये रखा हुआ है, ये स्लाइसर है, यहाँ पर एक ही साइज है इसमें, और रिबन के लिए ये बनाया हुआ है इन्होंने, ये फाइन ग्रेटर। अब ज़रा खोल के देखते हैं ये अंदर से कैसा है। इसकी थोड़ी सी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है, जो डिटेल यहाँ पर दी हुई है वो समझ में तो आ नहीं रही, इसलिए फ़ायदा क्या उसको पढ़ने का किसी और लैंग्वेज में। चलिए हम इसको खोल के देखते हैं। ये किया हमने इसको बाहर जी, तो ये साइज है इसका ऐसे। अच्छा, सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताऊंगा, ये जो ओरिजिनल है, मे बी ये उसकी कॉपी हो या क्या होगी, उसमें इसको दिखाया गया था कि ये कवर के अंदर है, लेकिन ये कवर इसका बिल्कुल ये इनवेलप है, ये आपके सामने कुछ ऐसा कवर तो नहीं। अब देखते हैं आगे से प्रोडक्ट कैसा है। ये इसका मैकेनिज्म बना हुआ है खोलने और बंद करने का। अच्छा, ये पूरा ऊपर नहीं जा रहा, ये देखें कि जरा सा ही ऊपर जाता है, यहां से उठ के ये ऐसे इधर, फिर आपने इसको यहां से ऐसे खींच खांच के इधर किया, फिर इसको ले जी। पहले तो मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि ये ज़्यादा चलने वाला नहीं है। जो इसका मैकेनिज्म है ये देखें, अब यहाँ से पूरा पूरा यहाँ से सील पैक है, ये देखें कि इसमें जगह ही नहीं रखी हुई कि ये थोड़ा सा इससे ज़रा ज़्यादा ऊपर नीचे हो सके, हालांकि इसे होना चाहिए। और यहाँ पे भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सिर्फ ये जुड़े हुए हैं जी। तो पहले मेरी ऑब्जर्वेशन तो यही है कि ये यहाँ पे इन्होंने कुछ इसका सिस्टम ऐसा ही बनाया हुआ है। ये ऊपर से भी देख लें कि ये बस अल्लाह तवक्कल ही चल रहा है, जब तक चल गया चल गया, इसने बहुत जल्दी ये साइडों से सेपरेट हो जाना, मेरा तो यही मानना है, मुझे ऐसे लग रहा है बता रहे। दिखने में लग नहीं रहा था ऐसे कि ये साइडें इसकी इस तरह से बनाई होंगी, अंदर कोई इन्होंने मोड़ने के लिए कोई सिस्टम बस ऐसे ही दिया हुआ है। चलें खैर, फिर भी इसको चेक करते हैं। अब ये एक स्लाइसर वाली साइड सबसे पहले चेक करते हैं, स्लाइसर वाली साइड को सबसे पहले चेक कर रही हूँ। ये आपके सामने ये देखें, ये देख लें इसका साइज़ ये वाला है, और तकरीबन इवन ही रहे हैं, कोई इतना खास 19-20 नहीं है, थोड़ा बहुत हाथ के प्रेशर का फ़र्क है, वरना और कोई नहीं है, ये ठीक ही रहा ठीक है। और स्पीड भी इसकी ठीक है, थोड़ी सी जो लाइनिंग है ज़रा ज़्यादा फासले फासले पे दी हुई, जैसे प्लास्टिक वालों में होती है उस तरह नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है। अब अगला देखते हैं जनाब, ये है रिबन वाली साइड, अब इसको करके देखते हैं। ये उतरा है जनाब इसका रिबन, ये आपके सामने। अब इसके बाद इससे पहले ये देख लेते हैं, ये कोर्स के लिए, जैसे कोई अदरक लहसुन वगैरह जो बारीक बारीक कोई पीसते हैं, ये उसके लिए कोई ग्राइंडिंग वगैरह के लिए। अब ये इसका आप आइडिया कर लें, पिक्चर के ऊपर था ये देखें, ये इसकी पिक्चर है, ये वाला पार्ट है, उसकी निस्बत पिक्चर से थोड़ा बारीक है, लेकिन ठीक है, ये फाइन के लिए ही है। अब इसको अगर करना हो ट्राई तो चलें कर दिखाती हूँ, वैसे मुझे ये करना नहीं है। ये देखिए ये इसका रिजल्ट है, चलें अब इसको ट्राई करते हैं, ये इसके किस तरह का और साइज कैसा और इसकी स्पीड कैसी आती है इस पर। इसके साथ सेफ्टी गार्ड वगैरह कोई नहीं दिया गया इसका, इस पर आपको अपने हाथ खुद ही बचाने हैं। अब ये इसका क्या साइज है और क्या रिजल्ट है, ये इसका साइज है और रिजल्ट आपके सामने ये इस तरह का है।
ठीक है एवरेज है, कोई इतना अच्छा प्रोडक्ट भी नहीं है लेकिन बिल्कुल बेकार भी नहीं है। मैंने लिया कितने का था जना? मैंने 350 रुपये का लिया था, ये ऐसा ही आ सकता है? मैंने बिल्कुल 350 का लिया था और डिलीवरी चार्जेस, अब ये मुझे याद नहीं, डाल के 350 के थे, डिलीवरी चार्जेस निकाल के 350 थे, अलबत्ता द्रास से लिया था ये आपके सामने। और बाकी इसकी वॉशिंग के लिए यही है कि आपको खुलता ये नहीं है, इनको अगर ये करना चाहिए ना इसको मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए, ये खुलने वाला सिस्टम कर दें या तो इसको वॉशिंग भी करनी आसान हो। बाकी जो दूसरा जैसे वॉश करते हैं वैसे उसी तरह से ये भी होगा। बाकी बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का, किसी ने इसको यूज़ किया हो तो वो भी मुझे बताए, बहुत शुक्रिया। मज़ीद वीडियोज़ के लिए इंतज़ार कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।